करने हेतु कई समाज सेवी संस्थाएं शहर में काम कर रही हैं, लेकिन देपालपुर से आए युवा किसान मिसाल कायम कर रहे हैं। बोरसे गांव के 8 युवा किसान अपने ट्रैक्टर लेकर इंदौर में दवा का छिड़काव कर लोगों को कोरोना से बचाव करने में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। देपालपुर के 8 युवा किसान अपनी फसल की कटाई छोड़कर इंदौर आ गए हैं। यह किसान इंदौर शहर में अपने ट्रैक्टर से सैनिटाइजर का छिड़काव कर लोगों को कोरोना से बचाने में लगे हैं। बोरसे गांव के किसान अनिल दरबार ने बताया कि वह पिछले 5 दिनों से अपने दोस्तों के साथ 8 ट्रैक्टर से शहर के कई क्षेत्रों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। यह काम वे अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। उनका मानना है कि शहर रहेगा तो गांव रहेगा, इसलिए वह अपनी खड़ी फसल की कटाई छोड़कर शहर में जनसेवा कर रहे हैं। सर, गांव से आए काम छोड़ के, अपना फसल निकालना छोड़ के सेवा में आए, सब दवाई स्प्रे करने के लिए। दवाई कहाँ से मिल रही है? दवाई अपने कंट्रोल रूम से, नगर निगम वहीं से लोड करके दे रहे हैं। पूरा फसल एरिया वाइज वार्ड जोन के हिसाब से छिटवा रहे हैं। रोज 8 दिन हो गए मेरे को, आज हमने संडे जो कर्फ्यू लगा था ना, उसी दिन से चल रहा है। तो कोई पैसे वगैरह कुछ? सिर्फ डीजल दे रहे हैं। डीजल दे रहे हैं और आप अपने से कर रहे हैं? अभी स्वच्छता से कर रहे, कोई प्रेशर से नहीं कर रहे किसी के लिए। कौन सा गाँव से आए? बोरसी गाँव, ये देपालपुर क्षेत्र में लगता है, वहाँ से। क्या नाम क्या आपका? अनिल सिंह दरबार। अनिल सिंह दरबार, हाँ ठीक है। दरबार 8 ट्रैक्टर आ रहे हैं सर, हमारे 8 ट्रैक्टर, हाँ सभी चल रहे हैं, सभी जोनों पे। एक ही गांव के सर? हाँ, सभी एक ही गांव से लेके आया है। अपने बलराम जी वर्मा जो है, उन्होंने उनसे बातचीत है, अपने उन्होंने बोला था तो मैं लेके आया।